सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 40। उन्होंने क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला है, पीके ए ऑफ वीक एसिड। तो पीके ए ऑफ वीक एसिड एच ए, तो हमको वीक एसिड दिया है उन्होंने एच ए। देखिए पीके ए ऑफ वीक एसिड एच ए एंड पीके बी ऑफ वीक बेस, तो वीक बेस हमको दिया है बी ओ एच। तो पीके ए ऑफ वीक एसिड एंड वीक पीके बी ऑफ वीक बेस दिया है। पीके ऑफ वीक एसिड है 3.2 एंड पीके बी ऑफ वीक बेस कितना है 3.4 रेस्पेक्टिवली। द पीएच ऑफ देयर सॉल्ट ए बी सॉल्यूशन इज, द पीएच ऑफ देयर सॉल्ट ए बी सॉल्यूशन इज। तो सिंपल क्वेश्चन को समझिए क्या हो रहा है। जब भी आपका वीक एसिड और वीक बेस रिएक्ट करता है तो आपका सॉल्ट बनता है, प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, तो सिंपल देखिए आपको मिला है वीक एसिड एच ए प्लस वीक बेस बी ओ एच, वाटर बनने वाला है तो आपका बन जाएगा सॉल्ट ए बी प्लस एच टू। तो आपको इस जो सॉल्ट बना है ए बी, इसके सॉल्यूशन का हमको क्या बोलना है, पीएच बोलना है। ठीक है, तो यहां पे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हमको कंसीडर करना है। ठीक है, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हमको कंसीडर करना है। तो आपको मालूम है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस अंडरगोस हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस ऑफ दैट सॉल्ट। तो देखिए हाइड्रोलिसिस करना है तो आपको देखिए वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है तो हमको इसका पीएच इज इक्वल टू मिल जाएगा, पीएच इज इक्वल टू मिल जाएगा। फॉर्मूला सीधा सीधा 1/2 इनटू पीकेडब्ल्यू प्लस पीके ए माइनस पीके बी, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। ठीक है, आपको मिल जाएगा पीकेडब्ल्यू हमेशा कितना होता है बोलो आपका 14 होता है वाटर के लिए, दैट इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 14 पीके ए कितना दिया है 3.2, पीके बी कितना दिया है 3.4। सॉल्व करेंगे इसको तो मिल जाएगा 1/2 इंटू 14 माइनस, देखिए ये नंबर बड़ा है 3.4 तो क्या हो जाएगा माइनस 0.2, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 14 में से करेंगे तो कितना हो जाएगा 13.8, दिख रहा है ना। डिविजन करेंगे तो 2 6 12 2 9 18 दैट इज 6.9। सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके।